हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी तमाशा। तो इस साल दोस्तों बहुत सी वेब सीरीज रिलीज हुई हैं डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, जिन्होंने तो भाई साहब आग ही लगा दी है, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर वेब सीरीज सुपरहिट साबित हुई हैं। तो आज हम ऐसी 5 वेब सीरीज पे नज़र डालेंगे जो कि 2023 की अब तक की सबसे बेहतरीन वेब सीरीज हैं, जो कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जीनत बनी और खूब पसंद की गई हैं। फ्रॉम द अमेरिकन ड्रामा सीरीज सेट इन द पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड द लास्ट ऑफ अस, शाहिद कपूर फर्जी, द नाइट मैनेजर एंड मोर, जिन सब की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो मजीद वक्त जाया ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, मगर इससे पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, साइड में लगा घंटा भी बजा लो। तो चलिए शुरू करते हैं। 2013 के गेम पे बेस करती ये सीरीज द लास्ट ऑफ अस एक बेहतरीन वेब सीरीज है, जो कि 15 जनवरी 2023 में HBO Max पे रिलीज हुई थी और अब डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे भी अवेलेबल है। स्टोरी बेस करती है पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, जिसमें दो सर्वाइवर जोएल और एली एक डेडली पेंडेमिक जो कि फंगल इन्फेक्शन से फैला है, जिसने सारी इंसानियत को तबाह कर दिया है और ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर में तब्दील कर दिया है, उससे बचते हुए इन दोनों को पूरे अमेरिका को क्रॉस करना है ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। रास्ते में बहुत से खतरात और चैलेंजेस मौजूद हैं। अब देखना यह है कि क्या ये दोनों खुद को और पूरी इंसानियत को बचा पाएंगे या नहीं। दोस्तों ये सीरीज गेम की तरह अपनी कहानी के लिए भी बहुत मशहूर हुई है और इसी वजह से शायद इसका सीजन 2 भी 2024 या 25 में रिलीज हो सकता है। इस सीरीज की अगर कास्ट की बात की जाए तो वो भी बहुत आला है, जिसमें नार्कोस फेम पेड्रो पास्कल, गेम ऑफ थ्रोन के सीजन 6 से बेला रामजी और फ्रिंज सीरीज से एना टोव जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट लीड रोल में नजर आते हैं। इस सीरीज की IMDb रेटिंग 9.1 है। Probably one of the best Hindi web series in 2023, फर्जी, जिसमें शाहिद कपूर और विजय सेतुपति का एक जबरदस्त ड्यू देखने को मिलता है। और यही नहीं, विजय सेतुपति को आप हिंदी में उनके अपने एक्सेंट में ऐसे गालियां देते हुए सुनेंगे जिस पे आप यकीनन हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। सीरीज में के मैनन और अमोल पालेकर जैसे बेहतरीन एक्टर्स भी मौजूद हैं। तो द फैमिली मैन से मशहूर हुए डायरेक्टर राजन डीके की ये कहानी एक स्ट्रीट आर्टिस्ट सनी की है, जिसे ये पता चल गया है कि किस तरह से फेक करेंसी नोट बनाए जा सकते हैं। मगर ये एक ऐसा इलीगल बिजनेस है जिसमें कुछ और भी लोग पहले से ही बड़े लेवल से ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि इस रैकेट को पकड़ने के लिए एक टास्क फोर्स भी बना दी गई है जो इनको ट्रेस करने के लिए दिन रात काम कर रही है। दोस्तों ये सीरीज 8 एपिसोड पर मुश्तमिल है, जिसका हर एपिसोड 1.25 घंटे से कम नहीं है। तो बहुत सा टाइम निकाल कर ये सीरीज आप Amazon प्राइम पर रेंट करके देख सकते हैं। इस सीरीज की रेटिंग IMDb पे 8.5 है। और अगर आप इस सीरीज का फुल रिव्यू जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक आई बटन पे भी मौजूद है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। मैं जिंदगी भर गरीब उधार चुकाएगा और अमीर ब्याज खाएगा। अब नकली नोट बनाएंगे? नहीं, नोट पे तो किसी इंसान ने बनाया। तो चलिए अब बात करते हैं द नाइट मैनेजर की। ये एक हिंदी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो कि रीमेक है ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज का विद द सेम टाइटल, स्टारिंग अनिल कपूर एंड आदित्य रॉय कपूर इन द लीड रोल। कहानी एक फॉर्मर नेवी ऑफिसर शान सेन गुप्ता की है, जिसका रोल प्ले किया है आदित्य रॉय ने। वो ढाका के ओरिएंटल पल होटल में नाइट मैनेजर की जॉब करता है। इस बीच पूरे शहर में प्रोटेस्ट चल रहा है रोहिंग्या मुसलमानों की माइग्रेशन को लेके। कहानी टेंस तब होती है जब एक 14 साल मैरिड टीनेज गर्ल अपने क्रिमिनल हस्बैंड, जो कि उम्र में बहुत बड़ा है उससे, अपना पीछा छुड़वाने के लिए शान के पास पहुंच जाती है। अब ये हस्बैंड एक एसोसिएट है बहुत बड़े और पावरफुल बिजनेसमैन शैली का, जिसका रोल प्ले किया है अनिल कपूर ने। शान एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर लिपिका साइका राव से मदद मांगता है। तो अब क्या शान इस टीनेज लड़की को बचा पाएगा या नहीं, जानने के लिए आपको वेब सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखनी पड़ेगी। सीरीज की रिलीज डेट है 17 फरवरी 2023, जिसकी IMDb रेटिंग 7.9 है। तो यू सीरीज तकरीबन हर नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर को पसंद है और इसके सीजन 4 का पार्ट 2 9 मार्च को रिलीज भी हो गया है। इस सीजन को दोस्तों दो पार्ट में तकसीम किया गया है, जिसमें 5-5 एपिसोड मौजूद हैं। बाकी 3 सीजन के मुकाबले में इस सीजन की स्टोरी काफी हटके और यूनिक है। तो अगर आपने अब तक ये सीरीज नहीं देखी है तो छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है जो गोल्डबर्ग, जो कि काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव लड़का है, जिससे काफी लड़कियां इंप्रेस्ड हो जाती हैं। तो जब भी जो को किसी लड़की को लेके कोई फीलिंग्स आ जाती हैं, तो उसे उस लड़की से ऑब्सेशन हो जाता है और वो उसे स्टॉक करना शुरू कर देता है, इवन सोशल मीडिया पे भी। यहाँ तक कि वो उस लड़की को पाने के लिए लोगों का मर्डर भी कर देता है।
तो इस सीरीज का हर सीजन बहुत ही जबरदस्त है और जो जिसका रोल प्ले किया है पेन बेंजनी ने, इस बंदे ने तो भाई साहब बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है। हालांकि इस बंदे का ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है, मगर व्यूअर्स को ये कैरेक्टर इमोशनली अट्रैक्ट करता है और वो इस कैरेक्टर से प्यार भी करते हैं। तो ये सीरीज आपको पूरी तरह से एंगेज रखती है और बिल्कुल भी बोर नहीं होने देती, यहाँ तक कि हर सीजन के लास्ट 3 या 4 एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग है। और हाँ, फैमिली के साथ तो इस सीरीज को तुम लोग बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इसमें कुछ एडल्ट सीन है। तो इस सीरीज की IMDb रेटिंग 7.7 है और आप इसे नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर सकते हैं। प्रोफेसर जोनाथन मूर, व्हाई डिड समवन ब्रेक योर हार्ट? डिड यू ब्रेक माय हार्ट, मेरियन? तो चलिए इस वीडियो की अब लास्ट वेब सीरीज की बात करते हैं। तो शेडो एंड बोन इज वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी शो, जिसका सेकंड सीजन मार्च 17, 2023 को रिलीज हुआ है। और सच कहूँ तो इस सीजन ने आउट परफॉर्म किया है प्रीवियस सीजन को। तो अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो। इस सीजन में टोटल 8 एपिसोड हैं और ये सीजन भी फैमिली के साथ देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी कहानी सीजन 1 से सुनाओ तो प्लॉट है एक फिक्शनल नेशन रावका का, जहाँ एक डार्क क्लाउड फोल्ड जिसमें एक क्रीचर है जिसने रावका को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, वेस्ट और ईस्ट में। मेन कैरेक्टर एलिना एक टीनेज मैपर है, जिसे पता चलता है कि उसके पास स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो खत्म कर सकती है इस फोल्ड को और साथ साथ इस अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट को भी। इसी दौरान डार्कलिंग, जो कि एक ग्रिशिस लीडर है, जस्ट सो यू नो ग्रिशा एक मैजिक पावर है, वो जानता है एलिना की इस एबिलिटी के बारे में। तो प्रीवियस सीजन के लास्ट एपिसोड में एलिना फेल हो जाती है डार्क क्लाउड फोल्ड को डिस्ट्रॉय करने में, जो कि रावका में डिस्ट्रक्शन फैला रहा था। तो एलिना डिसाइड करती है कि वो यहाँ से चली जाएगी और अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाएगी। और डार्कलिंग के बारे में यहाँ के लोग समझते हैं कि वो मर चुका है, और यहाँ से सीजन 2 का स्टार्ट होता है। तो एलिना अब अपनी पावर्स को बढ़ा रही है और डार्कलिंग भी वापस आ चुका है। तो आगे की सीरीज बता के मैं इस सीरीज को स्पॉइल नहीं करूँगा। इस शो में कुछ पुराने और नए कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं, तो अगर आप फैंटेसी मूवी लवर हैं तो ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें एडवेंचर आपको नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। तो IMDb पे इस सीरीज की रेटिंग 7.6 है और ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन वेब सीरीज के साथ। जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।